बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या हबीबल्लाह। तो आज यकम रबीउल अव्वल है और यहाँ पर जो है वो एक जुलूस का इंतमाम किया जाता है जामा मस्जिद बाजार वाली से जामा मस्जिद शेर शाह सूरी तक जो है वो जाता है। तो मैं आपके साथ इस पूरे जुलूस की तकरीब आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपके साथ इस जुलूस की मुकम्मल तकरीब आपके साथ शेयर करता हूं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूं आपका होस्ट अतीक लंगा और आपको वेलकम करता हूं एक्सप्लोर विद अतीक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त सी वीडियो। जुलूस में शिरकत के लिए उलमा हजरात तशरीफ ला चुके हैं। ये जुलूस साहबजादा इब्रार अहमद बुगवी साहब खतीब जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी के ज़ेरे सदारत जो है वो मुनक्किद किया गया है। काफ़ी उलमा हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। काफ़ी लोग जो है वो जमे गफीर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। जुलूस में शिरकत करने के लिए लोग जो है वो आ रहे हैं और मस्जिद के अंदर भी लोग काफ़ी तादाद में बैठे हैं और बाहर सेन के अंदर भी जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और अभी और लोग भी जो है वह जुलूस में शिरकत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। जुलूस में शिरकत के लिए उलमा हजरात तशरीफ़ लाए हैं, उनको फूलों के हार वगैरह पहनाए जा रहे हैं। नारे तकबीर अल इस्लाम। जुलूस की तकरीब शुरू हो चुकी है और साहबजादा इब्रार अहमद बुगवी साहब दुआ खैर कर रहे हैं और जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की जानिब अभी जो है वो जाने के लिए तैयार हो चुका है। नाज़रीन, ये जुलूस मेन बाजार से होता हुआ चक वाले दरवाजे बारस्ता मौलाना ज़हूर अहमद बुग़वी रोड से जामा मस्जिद शेर शाह सूरी की तरफ रवाना हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो जाना नहीं।
इस वक्त जुलूस चक वाले दरवाज़ा में पहुंच चुका है। सिक्योरिटी अहलकार जुलूस की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए बहुत सारे यहाँ पर अशकान रसूल मौजूद हैं। और देखें, एक जमे गफीर है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुलूस में शिरकत के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर साहबजादा इब्रार अहमद बुगवी साहब ने बयान किया, आज ऐसी अपनी मोहब्बत और अकीदत मेराज तक पहुंचना चाहते हैं। साढ़े दिल के अंदर, साढ़े ईमान के अंदर, साड़ी रूह जान के अंदर, सारी इस कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर इश्के मुस्तफा की तड़प है, इश्के मुस्तफा का नूर है और इश्के मुस्तफा की जान। आज अस इकट्ठे हुए मिल के निकले इस बाबरकत दिन का, जिस दिन सरकारे द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूद मसूद होया और आप दुनिया के तशरीफ अबरी हुई, आपके औड़े के नाल दुनिया की इंकलाब आया, दुनिया की इस्लाह पैदा हुई, गरीब को जिंदा रहने का हक मिलया, अमीरा को इस की तौफीक हुई कि और आए रास्ते रहे। आज के इस दिन के ऊपर असि अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार करने वास्ते निकले हैं। और ये इजहार उस वक्त भी होया जिस वक्त पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार को, अपनी जन्मभूमि मक्का को छोड़ के मदीने गए, जो मदीने के बच्चे, मदीने के मर्द, मदीने की औरतें, मदीने का जर्रा जर्रा पहाड़े में हर एक चोटी को लेके जमीन तक हर चीज ने पाक नबी का इस्तेमाल किया, पाक नबी को खैर मकदम किया, सारे ने मुबारक पेश किया कि आज हजूर साढ़े को तशरीफ लेके आए। कायनात के अंदर हजूर का आना ये अल्लाह की रहमत है। अंजमाने फिदा जाने रसूल इससे पहले रबीउल अव्वल के तहत हर साल मना रही और ये जुलूस उसी हालात से शामिल हुए। बारह रबीउल अव्वल इसी तरह मुख्तलिफ मकाम आते मुख्तलिफ तंजीमों की तरफों जुलूस निकल के तुम उन्हें जुलूस में शामिल हुए। इसे मोहब्बत के नाल, इसे अकीदत के नाल, इसे एहतराम के नाल छे रबीउल अव्वल हफ्ते वाले दिन रात को मस्जिद हकीमा वाले तो अंजमाने कलंदरा उन्होंने एजाज की तरफों इसे तरह की मोहब्बत का इंतजार हो रहा उन्हें सारे जुलूस में शामिल हो। इंशाअल्लाह ताला सा इस नजम के नाल, इस मोहब्बत के नाल कायम कायम यारा रबी रबल अली जुलूस मशर बरदार जुलूस सेठ मोहम्मद हाजी असगर साहब की इजाजत है निकलना जामे मत तो निकल सी सारे हजरात जो सुनिए फरमाओ अल्लाह ताला तोड़ा आना और एक मोहब्बत का इजहार करना मंजूर हो। जुलूस जो है वो मौलाना जहूर अहमद बुगवी रोड पर गामजन है अपनी मंजिल की तरफ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जुलूस जो है वो बिल्कुल जामे मस्जिद शेरशाह सूरी के करीब पहुंचने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इस वक्त जुलूस जो है वो मौलाना ज़हूर अहमद बुगवी रोड पर ही मौजूद है और जामे मस्जिद की मेन एंट्री की तरफ से जो है वो मस्जिद की तरफ जाएगा। तो आइए शेयर करते हैं। जामे मस्जिद शेरशाह सूरी के मेन इंट्री जो मेन रोड पर मौजूद है वहां से जो है वो जुलूस जामे मस्जिद की तरफ इंटर हो रहा है। जुलूस जो है वो इस वक्त जामे मस्जिद शेरशाह सूरी के ग्राउंड में आ चुका है और अब यहां पर जो है वो कुछ तकरीब मुनक्कद की जाएगी। जुलूस का इस्तकबाल साहबजादा आसिफ इब्रार बुगवी साहब ने किया। नाज़रीन, जुलूस इस वक्त जो है वो जामे मस्जिद शेरशाह सूरी के मेन जो मस्जिद है उसके मेन सेन की जानिब आ चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, जैसे कि वो मेन सेन में इंटर हो रहा है, यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चादर पोशी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी।
एक चादर मौलाना इफ्तखार अहमद बुगवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर और दूसरी चादर हकीम अलहाज हकीम बरकात अहमद बुगवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चढ़ाई जाएगी के मज़ार पर। और अभी जो है वो चादरें वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है वो चादर पोशी की तकरीब मुनक्द की जाती है। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो हज़रत मौलाना इफ्तखार अहमद बुगवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मज़ार शरीफ पर जो है वो चादर पोशी की जा रही है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हज़रत मौलाना अलहाज हकीम बरकात अहमद बुगवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चादर पोशी की तकरीब की जा रही है। आप अंजुमन फिदायान रसूल के बानी हैं। तकरीब के अख्तिताम पर दुआए खैर की गई। चादर पोशी के साथ यह है तकरीब जो इख्तिताम पजीर हुई, तो मैंने आपके साथ पूरी जो है वो तकरीब शेयर की। आपने मुझे अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल एक्सप्लोर विद अतीक को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।